increase in unsafe sexual practices like involving in sex with multiple partners. Increase in rape culture, especially rapes of young girls. So, the participation of sexual violence against women. Development of sexual disorder in young children. Effect on the mental well-being of young mind. So, we will say that कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से ज़्यादा इम्पैक्ट मेल पर नहीं फीमेल पर पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करता है कि जिससे विक्टिम तो फीमेल ही रहती है, लाइक रेप कल्चर स्पेशली, स्टीरियोटाइप्स एंड अनइक्वालिटी ब्रीफ इन जेंडर्स. सो दिस इज़ द हीनियस क्राइम. सो देर इज़ अ लॉ इन इंडिया दैट that was meant to help the child who are abused by the child pornographer. So in India there has a particular been a growing menace of child abuse and child pornography. India has one of the world's largest children's population. 2011 census data shows that India has a population of 472 million children under the age of 18, as you show. So, I will first talk about the protection of children from sexual offences, like we will also say POSCO Act. Ye Act 22 May 2012 ko aaya tha, but the Act has come into force in the effect from the 14 November 2012. Along with the rules framed there under. The POSCO Act 2012 is a comprehensive law to provide for the protection of children from the offense of sexual assault, sexual harassment and pornography, while safeguard the interest of child at every stage of the judicial process by incorporating child-friendly mechanism for reporting, recording, of evidence, investigation and speedy trial of offense through designated special courts. So, POSCO Act 2012 कहता है कि ये जो एक्ट बनाया गया था कि ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए बनाया गया था, जो कि विक्टिम होते हैं, अब्यूज्ड होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के और पोर्नोग्राफी के, और इसमें सेफ गार्ड इंटरेस्ट मतलब किया जाता है चाइल्ड का, कि ऐसे जुडिशल प्रोसेस में इसको लिया जाता है कि जिससे कि बच्चे की भावना पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है. और ये इसके लिए अलग टाइप के कोर्ट चलते हैं जो स्पीडी ट्रायल करते हैं, फेसिस ऑफ डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ POSCO एक्ट, फर्स्ट राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, जिसमें लाइक जब बच्चे पर फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ होता है, सो तो उनका जो राइट ख़त्म हो जाता है वो है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल. सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेक्शन ऑलवेज टॉक अबाउट टू राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल. द सेकेंड, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, लाइक एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू हर हिज बेस्ट इंटरेस्ट गिवन प्राइमरी कंसिडरेशन. सो गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखती है कि जो बच्चा है उसका जो इंटरेस्ट है वो मेंटली और फिजिकली अच्छा बना रहे, उससे इसे कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े. द राइट टू बी ट्रीटेड विद द डिग्निटी एंड कॉम्पेशन. ऑब्वियसली इन इंडिया रेप विक्टिम, सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम और अब्यूज्ड पर्सन, चाहे वो बच्चा हो या लेडीज, उनको बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है. बट बच्चा हो या लेडीज, जो भी हो, बट उनको भी हक है, बिकॉज दे आर विक्टिम, दे आर नॉट द क्रिमिनल. सो इनका भी राइट है कि ट्रीट विद अ डिग्निटी एंड कॉम्पैशन से वो जी सके अपनी लाइफ. द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. एज मैंने कहा है कि यहाँ पर क्रिमिनल से ज़्यादा विक्टिम को ज़्यादा
किया जाता है कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ, विक्टिम को फील करवाया जाता है कि विक्टिम नहीं है वो, खुद क्रिमिनल है। सो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में ये भी रखा है, द राइट टू बी स्पेशल प्रिवेंटिव मेजरमेंट, द राइट टू बी इंफॉर्म्ड। सो दिस राइट आई विल टेल अबाउट बोथ ऑफ देम लाइक दैट, कि जिसके साथ, जो विक्टिम के साथ जो भी हो रहा है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन और स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स मिलने चाहिए। लाइक कब ट्रायल हो रहा है, कब ट्रायल नहीं हो रहा है, कैसे ट्रायल हो रहा है और क्यों ट्रायल नहीं हो रहा है। और अगला है द राइट टू बी हेयर्ड एंड टू एक्सप्रेस व्यूज एंड कंसर्न्स। सो वी विल टेल दैट इट्स अवर मैंडेटरी राइट, बट इन केस ऑफ चाइल्ड इट्स वेरी टफ। उनको तो पता भी नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है, बट ये काफ़ी फ्रेंडली माहौल के साथ होता है। ये अलग कोर्ट्स होते हैं जो स्पीडी ट्रायल करते हैं, 6 महीने में ख़त्म करते हैं केस। इनका ज़्यादातर यही मोटिव रहता है, और इनमें बच्चे को सुनने और अपने एक्सप्रेस और कंसर्न जो भी उसके साथ हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइक साइकेट्रिक के थ्रू बताया जाता है। द राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंट एंड द राइट टू बी प्राइवेसी। सो एज वी नो दैट कि हमारे समाज में विक्टिम को ज़्यादा ठहराया जाता है कि क्रिमिनल तुम हो, और समझा भी जाते, ये हमारी मेंटेलिटी है, जो आइडियोलॉजी है, जो पेट्रियाटी है, वी कांट से दैट। बट स्टिल कोर्ट ने पोस्को एक्ट में ये दिया है कि अगर कोई इस ऑफेंस से, जो भी है अब्यूजिव पर्सन की कोई पहचान को, प्राइवेसी को ख़त्म करता है, तो दे विल हैव टू कॉम्पनसेट इट। एंड देर इज़ नो केस आई थिंक इन माई माइंड सो, बट स्टिल इफेक्टिव असिस्टेंट और राइट टू प्राइवेसी दी जाती है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो 6 मंथ के अंदर ही केस को ख़त्म करते हैं। द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्डशिप ड्यूरिंग द जस्टिस प्रोसेस। ओब्वियसली जिस बच्चे को पता ही नहीं है उसके साथ क्या हुआ है, तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही हार्डशिप होगा। वो क्या कहेगा कि उसके 6-7 साल का बच्चा है, उसको यही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस है जस्टिस का। द राइट टू बी सेफ्टी एंड राइट टू बी कॉम्पनसेशन। इफ यू ट्राई टू डिफेमेट एंड डिफेमेट द विक्टिम एंड ट्राई टू उसकी प्राइवेसी को ख़त्म करने की बात करते हो, तो आपको इसके लिए वो पर्सन कर सकता है कि आपको उसको कॉम्पनसेशन देना होगा। सो देर इज एक्सपेक्ट ऑफ पोस्को एक्ट्स। द फर्स्ट इज देर शुड बी अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ अ सेक्शुअल ऑफेंसेस। ऑब्वियसली पहले अगर मैंडेटरी रिपोर्ट होगा तभी तो पता चलेगा कि बच्चे के साथ क्या हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग अर्जेंट एंड नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड बाय द पुलिस पर्सनल। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जिसके पास ये कंप्लेंट गई है उनको काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट और नेसेसरी अरेंजमेंट और प्रोटेक्शन केयर करनी पड़ती है, वो भी बहुत ही अच्छे से। सो द रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी पर्सनल टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विद इन द 24 आवर। द मेडिकल रिपोर्ट, दैट मीन्स जो भी है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 24 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोस्को मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी डन विद मिनिमम स्ट्रेस। पोस्को एक्ट कहता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है चाइल्ड की, वो बहुत ही मिनिमम स्ट्रेस के साथ करनी चाहिए। इन कॉमन ट्रायल प्रोविजन शुड बी मेड, या इन सॉरी इन कैमरा ट्रायल प्रोविजन शुड बी मेड एज पर द रेगुलेशन ऑफ पोस्को। अ केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्प्यूटेड इन अ ईयर ऑफ ए रिपोर्टिंग ऑफेंस। सो पोस्को एक्ट ये कहता है कि जो भी ये चाइल्ड हेरसमेंट का केस आता है, इसको एक
साल या 6 महीने के अंदर खत्म कर देना चाहिए। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक द कंक्लूजन, एज ए लॉ स्टूडेंट वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ दिस वर्ड कंक्लूजन। सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ हॉरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ न्यू एज रियलिटी। तो सम ऑफ द रीजन हैव बीन ट्रेस, देर हैव बीन नो सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कर्व देम, देर आर ऑल्सो बीन हैपन इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज मोर प्रोन टू गेटिंग डिवेल्प्ड इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। स्टिल देर हैव बीन नो सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट रिजोल्विंग दिस देयर This evidence that at importance it is to be marked the reason for the problem. So it is to uproot these reasons. So as we know that child pornography is a heinous crime, हम जानते हैं, पर still ये हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे मैंने बताया है कि इंडिया में 425 million time in just a lockdown people are searching for child pornography on the porn sites. It is the double rate of searching these kind of things in last 5 years and like. So here we see that where our youth has been gone. For this we have to try to always protect our child from this kind of person. At the conclusion we always want as a civil person from the government and expect that they will take the good and effective manner to stop it. That's the it. And I think it is very useful for the question if it comes in the number around 15 to 20, and that's all is you will get a good marks around it. So thank you. Please like and share my video.